हाँ सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, मैंने पॉज कर दी थी वहां पे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है 2023 का ही। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का था स्किप किया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, अगेन ग्रुपिंग का क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले पेपर में भी किया था। इसमें आपको क्या बताना है, विच पार्ट शोज लिटरेट मेल्स। तो हमें लिटरेट पे ग्रुपिंग करनी है, जो लिटरेट है, ठीक है, जो लिटरेट है मेल्स हु आर डॉक्टर्स। तो सबसे पहले लिटरेट पे ग्रुपिंग करनी है। तो लिटरेट जो है वो सर्कल वाले हैं, राइट, सर्कल वाले हैं लिटरेट। और मेल्स, मेल्स पता करने हैं। तो मेल्स में जो है वो आपके ये है रेक्टेंगल वाले, ये मैक मेल्स हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया, है ना। अच्छा, डॉक्टर्स पता करने हैं। डॉक्टर्स ट्राइंगल वाले हैं, तो ये नहीं होगा, गलत कर दिया। डॉक्टर्स वाला कौन सा है, ये है, ये वाला हिस्सा नहीं, नहीं ई होगा, राइट। तो ई होगा, है ना, ई ऑप्शन हो जाएगा। जो लिटरेट है वो पता करने हैं, उसके बाद में मेल्स और डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको सेम, अभी हमने क्वेश्चन किया था ये रिटन ट्रायल से, जिसमें 5.5 आंसर आया था। तो इसको ट्राई करो, एक जना ट्राई करो 6.5 से, एक जना ट्राई करो 6.5 से, एक जना ट्राई करो 7.5 से। हाँ, इन दोनों में से कोई एक होगा ऑब्वियसली। तो हमारे पास में 1200 है, तो ये आ जाएगा 1348.32 डिवाइड बाई 1200 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार आर की वैल्यू जो है वो 6.5 पुट करके देखो, एक बार 7.5 पुट करके देखो, इसको सॉल्व कर लो क्या आ रहा है, 1348.32 बाई 100 बाई 1200, ठीक है। हम अभी 6.5 पुट करके देख रहे हैं और 7.5 पुट करके देख रहे हैं, हिडन ट्रायल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक में 106.5 आएगा, 106.5 बाई 100 इंटू 106.5 बाई 100, है ना। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 106.5 बाई 100। अच्छा 1.134225, ये तो आ गया, ये यही आ रहा है क्या इससे। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1348.1078 डिवाइड बाई 1200, तो ये आ रहा है 1.1236। तो ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा तुम्हारा 1.13, ये आ रहा है 1.1236। तो 6.5 नहीं होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 107.5 तो 107
7.5 वाला सही है, तो 7.5 से भी गलत क्यों आ रहा है? सही आ रहा है 7.5 से, क्या आ रहा है ये 1.1556 ये आ रहा है, तो लेकिन ये तो ये आ रहा है 1.1236 किससे? इसको वन पॉइंट वन फाइव फाइव सिक्स टू फाइव मल्टीप्लाई 1286 आ रहा है, 1386 नहीं 48 नहीं आ रहा, कि आपने 107.5 मल्टीप्लाई 107.5 कितना आया आपका? इनटू 1300 1286 आ रहा है, 1386 इन्हें गलत है। मैंने ऐसे किया, 6.5 से भी ये आ रही है वैल्यू 1.134 और इसमें 1.12 है। सिक्स लेके देखना पड़ेगा। ये वाला बताना क्या वैल्यू है? 1348/1200 1.123 वही तो आ रहा है, ये रहा 1.236 ऐसा कुछ। 6 से क्या आ रहा है? 106 × 106 कितना आ रहा है? 106 का स्क्वायर, यहाँ ये सही है भाई, 106 का स्क्वायर आ रहा है 11236 और कहाँ जाएगा 1.1236 पे आ जाएगा, 1.1236 6% सही है, ठीक है। तो मतलब हम सीधा स्क्वायर ही करके देख ले तो हमें पता लग जाता है लगभग लगभग, तो 6-1 ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ये लॉजिक सही नहीं है कि 60 डेसिमल वाले हो। हाँ लॉजिक तो ये ऑब्वियसली तुक्का था, ये तो पिछली बार हमने इसी में आया था ना यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये बॉट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बॉट्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि ए मैन कैन स्विम अलोंग द स्ट्रीम एट 3 km/h, अलोंग द स्ट्रीम 3 km/h पे वो कर सकता है स्विम, एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एट 2 km/h, राइट। अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑब्वियसली स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड उसकी मेन स्पीड को कम करेगी। तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड एक्स है और स्ट्रीम की स्पीड एस है, तो अलोंग द स्ट्रीम क्या हो जाएगी स्पीड? एक्स प्लस एस, राइट। अलोंग द स्ट्रीम, और अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या हो जाएगी? एक्स माइनस एस। अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अलोंग द स्ट्रीम कितना है उसका? 3 km/h है, तो यानी एक्स प्लस एस इक्वल्स टू कितना है? 3। और अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना है? एक्स माइनस एस की वैल्यू कितना है? 2। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू स्विम? अच्छा यहां से आपकी दोनों वैल्यू आ जाएंगी, दोनों सॉल्व करके दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x = 5, x = 2.5 km/h। तो ये x क्या है? x उसकी बोट की स्ट्रीम, बोट की स्पीड है, राइट। तो स्टिल वाटर में पूछ रहे हैं, तो स्टिल वाटर में बैठो बैठो जल्दी बैठो बताओ, स्टिल वाटर में स्पीड क्या रहेगी? 2.5 ही रहेगी ना, सबको समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि एस तो रहेगी नहीं स्टिल वाटर के केस में, स्ट्रीम की स्पीड तो रहेगी नहीं, तो सिर्फ जो बोट की स्पीड है वही रहेगी स्टिल वाटर के केस में। तो हमने क्या किया, उसने बताया था हमें अलोंग द स्ट्रीम उसकी जो स्पीड है वो 3 km/h है, और अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है वो 2 km/h है। अलोंग द स्ट्रीम जो है वो एक्स प्लस एस मान लिया, एक्स हमने बोट की स्पीड मान ली, एस हमने स्ट्रीम की स्पीड मान ली, तो अलोंग द स्ट्रीम एक्स प्लस एस हो गया और अगेंस्ट द स्ट्रीम एक्स माइनस एस हो गया, तो एक्स प्लस एस इक्वल टू 3, एक्स माइनस एस इक्वल टू 2। तो इन दोनों से हमने सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 km/h। तो x जो है वो किसकी स्पीड है? बोट की स्पीड है, ठीक है। तो स्टिल वाटर में क्या होगा? बोट अपनी स्पीड से ही चलेगी, स्ट्रीम की कोई स्पीड नहीं होगी, ठीक है। तो कितना चलना है? 7 km। तो हमें निकालना है कितना?
टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चलना है 7, स्पीड कितनी है 2.5, तो 70/25 25 × 50 20 2.8 आवर लगेंगे, तो 2.8 यानी 48 मिनट, 8 6 48 ना, तो 2 आवर एंड 48 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, क्या समझ आ गया, 2 आवर 48 मिनट लगेंगे उसको 7 किलोमीटर चलने में इन द स्टिल वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज जीएस, क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन जीएस, कौन सा जीएस के क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, वी विल स्किप दिस। सर्कम सर्कल सर्कम फ्रेंस इन सर्कल वो होगा ना आपका इनर रेडियस और आउटर रेडियस, तो रेशियो ऑफ द एरियाज निकालना है, ये आपका सर्कल होता है जो, ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया का और इसका डिफरेंस निकालना है। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स अप टू 100 विल बी, ये हमने क्वेश्चन किया था एवरेज में, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, 100 नंबर्स का एवरेज निकालना है, फर्स्ट 100 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो सम हमें पता होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1/2, ये सम हो गया, और एवरेज क्या कहता है किससे डिवाइड कर दो, जितने काउंट है तो एन एन नंबर्स का सम है एन से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज आ जाएगा, एवरेज क्या बचेगा एन प्लस 1/2, ये आपका एवरेज हो जाएगा, तो एवरेज कितने का निकालना है 100 का, सॉरी ये ओड नंबर्स है, ये तो हमने पूरे एन नेचुरल नंबर्स का निकाला, ओड नंबर्स के लिए भी आपको याद है हमने एवरेज में निकाला था ओड नंबर अलग और इवन नंबर अलग, जिसमें एक में एन प्लस 1 आया था एक में एन आया था, याद है, अगर नहीं याद है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे दोबारा से निकाल के देखेंगे, देखो ओड नंबर्स का निकालना है हमें, पहले 100 ओड नंबर्स का निकालना है राइट, तो पहले 100 ओड नंबर्स में क्या होगा, ओड नंबर्स कैसे लिखोगे आप 1, 3, 5, 7 ऐसे कर करके 100 ओड नंबर्स लिखने हैं, तो ये एपी बन रहा है, एपी बन रहा है, एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू क्या है 100, एन की वैल्यू क्या है, अच्छा 100 अभी छोड़ दो एन ही रहने दो, एन की वैल्यू अभी जो है 100 रहने एन ही रहने दो, तो एन वाई 2 हो गया ये, ठीक है, तो 2 ए क्या रहेगा इस केस में, ए की वैल्यू बताओ 1, ओड नंबर के केस में हमेशा ए की वैल्यू क्या रहेगी 1, सो 2 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या रहेगी 2, कितना होगा ये एन बाई 2 2 प्लस 2 एन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा n बाई 2 इंटू कितना है ये 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा n स्क्वायर, n स्क्वायर क्या आया सम, सम ऑफ n ओड नंबर्स, तो n ओड नंबर्स का सम कितना है n स्क्वायर, और अगर एवरेज निकालना हो तो डिवाइड बाई n, तो ये तो आ गया सम, और एवरेज निकालना हो तो एस एन बाई एन, एन स्क्वायर बाई एन यानी एन, तो एवरेज ऑफ ऑल द ओड नंबर्स अप टू 100 विल बी क्या होगा 50, ओके सॉरी एन 100 नहीं है यहाँ पे, एन यहाँ पे 100 नहीं है, अप टू 100 है ये, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स अप टू 100 है ये, अप टू 100 का मतलब 100 तक जितने ओड नंबर आएंगे, 1 से लेकर 99 तक कितने ओड नंबर आएंगे 50, है ना 50 ओड नंबर 50 इवन नंबर, तो 50 आंसर होगा इसका, ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था क्वेश्चन में, हमने पढ़ लिया था कि 100 ओड नंबर लेने हैं शुरू के, लेकिन अगर शुरू के 100 ओड नंबर लेने हो तो आंसर 100 ही होगा, तो जितने ओड नंबर
उतना एवरेज। तो ये फॉर्मूला तो सही है, ये फॉर्मूला हमने सही निकाला है। और इवन नंबर के लिए एन प्लस वन आएगा, याद है आपको हमने निकाला था, तो एन प्लस वन ही आएगा वो, तो आप निकाल के देख सकते हो। किसके लिए? इवन के लिए निकाल के देख लेते हैं अगर डाउट है तो। इवन के लिए क्या होगा, 2+4+6+8 ऐसे, ठीक है। तो n by 2 2a plus n minus 1 into d n by 2, a की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 2, 2 टू जा 4 plus n minus 1, d की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो n by 2 तो 4 plus 2n minus 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4 minus 2, 2 हो गया, n by 2 कितना बचा 2n plus 2, ठीक है। तो इसको और आगे लेके जाओगे तो n by 2 और 2 कॉमन आ गया यहाँ से, n plus 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा n n plus 1, ये क्या आया सम। और एवरेज निकालोगे तो n से डिवाइड करोगे, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा n plus 1। तो इवन नंबर्स का एवरेज होता है n plus 1, ओड नंबर्स का एवरेज होता है n। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करना, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको पता है ओड नंबर्स का एवरेज होता है n, इवन नंबर्स का एवरेज होता है n प्लस 1, आपसे पूछा जाए कि पहले 100 इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, बोलो n प्लस 1 यानी 101, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 100, समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछो। भाई पहले 100 अगर बोला जा रहा है, पहले 100 इवन नंबर्स, ठीक है, पहले 100 इवन नंबर्स आपके 200 तक जाएंगे ना, पहले 100 बोल रहे हैं। अगर यही वाला क्वेश्चन होता जो ये है, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट इवन नंबर्स, यहाँ पे ओड की जगह इवन करते हैं अगर, तो एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 100 विल बी 51, ठीक है, क्योंकि 100 तक जो है आपके इवन नंबर कितने होंगे 50 इवन नंबर होंगे, और एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 51। तो पहले 100 तक इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा 51 होगा, ओड नंबर्स का जो एवरेज होगा वो 50 होगा, समझ आ गया। एन और एन प्लस 1 याद रखना है, ओड नंबर्स के लिए एन, इवन नंबर्स के लिए एन प्लस 1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑफ जीएस, नहीं ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। Everyone happy का हमें फाइंड आउट करना है। Everyone आपको यहां से मिलेगा और happy यहां से मिलेगा। ये तो everyone happy, इन दोनों में एक कॉमन होगा, ब्यूटीफुल। क्या कॉमन है इसमें? नहीं, लॉक्स कॉमन है। तो एवरीवन ब्यूटीफुल का क्या हो गया, लॉक्स हो गया। एवरीवन का क्या हो गया, अंटो, ठीक है। सिमिलरली आप निकाल सकते हो किसका, हैप्पी का, हैप्पी लाइफ के लिए में। तो अंटो के साथ में किसकी बन रही है यहाँ पे, लॉक सी भी हो सकता है और हाँ सी ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस द सेलर लॉसेस 10%, द ओरिजिनल गेन परसेंटेज इज, कैसे करेंगे? आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, एसपी किसी प्राइस पे वो सोल्ड किया गया, अगर उस पे ना करके उसके 2/3 प्राइस पे करते, सेलिंग प्राइस के 2/3 प्राइस पे करते, तो 10% का लॉस होता। तो अब आपको बताना है कि अगर एक्चुअल में सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता है एसपी का जो 2/3 प्राइस है, 2/3 ही तो कर रहे हैं, एसपी का जो 2/3 प्राइस है वो किसके इक्वल है, सीपी के 90% के,
क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है, तो सीपी का 90% इक्वल टू एसपी का 2/3 टाइम्स, ठीक है। तो एक तो ये चीज हमें पता है, और क्या पता है बस, तो हमें पता करना है ओरिजिनल गेन परसेंटेज कितना है। तो एक्चुअल में जो एसपी है वो कितना है, तो 2/3 जो होता है, अब आप यहां पे क्या करोगे, इसको इधर ले आते हैं, सीपी का 90%, ठीक है, इंटू 3/2, ठीक है, सीपी का 90% इंटू सीपी का 3/2 टाइम्स, 3/2 कितना होता है 1.5 टाइम्स, और 1.5 टाइम्स क्या होता है 1.5 टाइम्स मतलब 150%, 3/2 मतलब 1.5, 150% ना। तो 90% निकाला पहले हमने सीपी का, फिर जो वैल्यू आई उसका 150% निकाला, ठीक है। तो 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, 150 by 100। तो आप क्या कर रहे हो, नेट परसेंटेज निकालना है हमें, तो हमने क्या किया, सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला याद है, पहले हम क्या कर रहे हैं 90% निकाल रहे हैं सीपी का, 90% में क्या हो रहा है 10% का गेन, ठीक है, और उसके बाद फिर से क्या किया उस पे 150% निकाला उसका, ठीक है, 150% का मतलब 50% का प्रॉफिट, ठीक है, तो 50% का प्रॉफिट। तो पहला केस क्या बना यहां पे, 10% का गेन, तो माइनस का 10 हो गया और प्लस का 50 हो गया, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज, पहले माइनस 10 का गेन हुआ, सॉरी माइनस 10 का लॉस हुआ, उसके बाद में 50% का गेन हुआ, सक्सेसिव परसेंटेज, और माइनस 500 by 100, 100 दो जीरो कट गया, कितना हुआ ये 40 - 5, 35%, तो आंसर हो गया 35%। हाँ, ये वाला 3/2, 3/2 को आप लिख सकते, 3/2 क्या है 1.5 है ना, अगर किसी चीज का 1.5 लेते हो तो उसका मतलब क्या है, आप उसका डेढ़ गुना ले रहे हो, डेढ़ गुना का मतलब वो प्लस उसका आधा और, मतलब आप उसका 50% और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उसमें, मतलब 150% ले रहे हो, या आप 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 150 by 100, 150% ले रहे हो किसका, सीपी का नहीं, इसका, इसका 150%। तो पहले आपने सीपी का 90% लिया, फिर जो वैल्यू आई उसका 150% लिया, सक्सेसिव परसेंटेज ली जा रही है, 90% का मतलब क्या है 10% का गेन, सॉरी लॉस, 90% लेने का मतलब क्या है 10% का लॉस। तो पहले सीपी पे 10% का लॉस हुआ, फिर 50% का गेन हुआ, तो सक्सेसिव परसेंटेज लग गया, माइनस 10 प्लस 50 माइनस एक्स वाई बाई 100, है ना, तो ये माइनस में आया था, ये प्लस में आया था, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस 10 प्लस 50 40 हो गया, 40 माइनस 5 यहाँ बचा 35, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट या लॉस जो भी, अगर माइनस में आता तो लॉस होता, पर यहाँ पे गेन हो रहा है, एक्चुअल में गेन उसने पूछा है, तो एक्चुअल गेन कितना 35%, तो सक्सेसिव परसेंटेज अगेन यूज हुआ यहाँ पे, अगर सक्सेसिव परसेंट नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो सकता था, ठीक है। The sum of the perfect square numbers between 120 and 300 is, हमें यहां पे निकालना है sum of the perfect square numbers, sum of the perfect square numbers between 120 and 30, 120 के बाद सबसे पहला perfect square कौन सा आता है, 120, 121, so 121, then 144, then 169, then 196, ओके इतना काफी है, ये क्या हो गया भाई, ठीक है, ऐसे कर करके अब तू लास्ट कहां पे आएगा, 300, 300 से पहले सबसे कौन सा है, 289, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है, तो 324 300 से ज्यादा हो जाएगा, तो 17 के स्क्वायर तक हमें लेना है, तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, 11 स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू 17 स्क्वायर। अब दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो इसको मैनुअली कर लो, ठीक है, या तो मैनुअली कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, आपको क्या करना है, पहले 10, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स का सम, क्या फॉर्मूला होता है इसका, स्क्वायर का, स्क्वायर के सम का क्या फॉर्मूला होता है,
अगर n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना हो, नहीं पता n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2, और n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n n प्लस 1, 2 n प्लस 1 बाई 6, ये फॉर्मूला होता है n n प्लस 1, 2 n प्लस 1 बाई 6 स्क्वायर वाला, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर तक अगर हमें करना हो, तो ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप पहले 17 तक के स्क्वायर्स का निकाल लो और फिर 10 का निकाल लो, 17 में से 10 का माइनस कर दो, वन वे। पर बेटर वे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत छोटा फिगर है, ये मैंने इसलिए बताया, अगर ये बड़ा होता 300 ना होकर के ये बहुत आगे तक होता तो आप फॉर्मूला यूज करते, फिर आप एक एक करके नहीं कर पाते, पर यहाँ पे आप देख रहे हो 11 से 17 तक ही है, एक एक करके भी कर सकते हो, ठीक है? तो एक एक करके तो आप कर ही लोगे, फॉर्मूले से देखते हैं। तो फॉर्मूले से क्या करेंगे अपन, हम पहले 17 तक निकालेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17, ठीक है? तो 17, n प्लस 1 इज 18, और 2n प्लस 1 इज 2n प्लस 1, 17 दूनी 34 और 1 35 डिवाइड बाई 6, माइनस क्या करना है, 10 का, 17 तक हमने निकाला ना, पर हमें 17 तक थोड़ी चाहिए, शुरू से 17 तक थोड़ी चाहिए, हमें 11 से 17 तक चाहिए, तो क्या कहाँ तक माइनस करना पड़ेगा, 1 से 10 तक का माइनस करना पड़ेगा, तो 10 तक का निकालो, 10, 11, 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइड बाई 6, तो ये आंसर आ जाएगा, राइट? ये चीज समझ आई सबको, कैसे लिखा, 6 18 और नहीं निकलेगा ना, कितना हो गया ये, 2 5 10 और 3 7 21, ठीक है? कितना हो गया ये, 17 5 85, 17 3 51 और 8 5 9 3 माइनस 5 7 35, 11 5 55, 11 3 33, 5 38, 1400 आ गया, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप एक एक करके भी पिक कर सकते हो। कुछ नहीं, मतलब जो भी करते हैं और तो कुछ नहीं। नहीं, ये तो नॉर्मल पहले से ऐसा है। हाँ जी, समझ आया? ये पंखे की आवाज सेट हो गई, समझ आ गया क्वेश्चन? क्या करना था इसमें, क्वेश्चन का मुद्दा क्या था? इजिली जोड़ सकते थे, आई एग्री, मैंने सबसे पहले वही बोला कि आप इसको 11 से 17 तक इजिली जोड़ सकते थे, बट इन केस आपको यहाँ पे 300 ना देकर के 3000 होता है ना, तो 3000 के नजदीक कौन सा स्क्वायर होता है, 3000 के नजदीक कौन सा स्क्वायर होता है? 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500, और 55 का स्क्वायर क्या होता है, 55 का स्क्वायर होता है 30 25, तो 54 का स्क्वायर आएगा आई थिंक, ठीक है? तो 54 तक आपको लेना पड़ता है, 11 से 54 तक। क्या फिर आप एक एक करके ऐड करते? नहीं, फिर आपका ये फॉर्मूला वर्क करता ना, इतना इजीली कर सकते थे फिर आप इससे, सीधा एन की वैल्यू यहाँ पे 54 डालते और यहाँ पे 10 डालते, बस सिंपली माइनस कर सकते थे, क्योंकि हमें 11 से स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, और ये जो फॉर्मूला है ये एन नेचुरल नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला है। तो इसने जो किया ये 1 से 17 तक, यार ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जो एन 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 प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाई 6, ये आपका जो फॉर्मूला है ये एन परफेक्ट स्क्वायर, एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालता है।
तो ये एक से लेकर 17 तक सम निकाल देगा यहाँ पे, लेकिन हमें एक से लेकर 17 तक का थोड़ी चाहिए, हमें 11 से लेकर 17 तक चाहिए। तो क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, एक से लेकर 10 तक का माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए 10 तक का निकाला, पहले हमने 17 का निकाला फिर हमने 10 का निकाला, तो 17 में से 10 का माइनस कर दिया तो 11 से 17 का बच गया आपके पास। तो वही चीज मैं कह रहा था कि अगर आपको ये 3000 तक दिया होता तो आप 11 से लेकर के 54 तक का आपको फाइंड आउट करना होता, राइट। तो आप क्या करते, पहले 54 तक का निकालते और 10 तक का निकालते, दोनों को माइनस कर देते तो आपको 11 से 54 तक का मिल जाता। उस केस में आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ता, आप एक एक करके नहीं कर पाते उस टाइम पे, ठीक है। इस केस में आप एक एक करके भी कर सकते थे क्योंकि आपको 6 ही तो करने हैं बस सम, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज नॉट अवर टास्क, क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन जीएस, क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन ओके। सो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इंडिया दिल्ली और साउथ एशिया में क्या डिफरेंस है, इंडिया दिल्ली और साउथ एशिया, इंडिया दिल्ली साउथ एशिया। तो ये आपकी दिल्ली हो गई, ये इंडिया हो गया, साउथ एशिया सेकंड होगा ना, फोर्थ कौन बोल रहा है, पीछे से बोल रही है, एशिया में आते हैं। हाँ ठीक है, ओके इट्स ओके, मैं क्या कह रहा हूँ। सो हमारा जो इंडिया आता है वो कौन से एशिया में आता है, साउथ में भी, साउथ वेस्ट एशिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 21, नेपोलियन कौन है बताओ, पता है अकबर है, छोड़ो भाई छोड़ो, बिजनेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बिजनेस में ये सब काम नहीं आएगा भाई, ये सब फिर क्या करना है। चलो 1/5, 1/x, 1/x, 1.25, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो दो रेशियो इक्वल दिखा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, दो रेशियो इक्वल है प्रोपोर्शन में है, राइट। तो दो रेशियो इक्वल होंगे तो क्या करोगे आप, 1/5 / 1/6 इक्वल टू 1/x / 1/1.25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x/5 = 1.25/x, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 125 × 625 = 6.25, सो x विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, 2.5 आंसर हो जाएगा, 2.5, ठीक है। सो 2.5 हो जाएगा 22 का आंसर, राइट। 23, अच्छा इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करेंगे, 5, 10, 17 ? 37 लीनियरली इंक्रीजिंग है, ट्रायंगुलर सीरीज लगा सकते हो डायरेक्ट, है ना, 5, 10, 17 ? 37 ट्रायंगुलर सीरीज लगाएंगे तो 5, 10 का डिफरेंस कितना आया, 5, 10, 17 का डिफरेंस कितना आया, 7, नहीं पता ये भी नहीं पता, है ना। तो इसको ही फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना, 2, तो 2 का ही कॉमन लेके चलते हैं, 7 और 2 = 9, 9 और 2 = 11, तो 17 + 9 = 26, 26 + 11 = 37, तो 26 आ गया, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर, ओके इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, हाँ यस, सो देखो 4 का स्क्वायर 16 नहीं 4 × 4 = 16, 4 × 64, 4 × तो ये 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 की पावर 2, 36 आएगा, ठीक है, पावर्स इंक्रीज हो रही है, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 25, क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट,
इसका आंसर आएगा तो ये वाला हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो जाएगा। क्या करूं? एक ही ऑप्शन है इसमें, इस तरीके का यही होगा। पंचायती राज सिस्टम करेक्टली मैच्ड, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करके, तो 56 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने। यस, 28/50, 24/25, सॉरी 14/25, तो ये तो सही है, पहला भी तो सही है। पहला सही नहीं है क्या? 25% 1/4 सही है। अच्छा अच्छा, तो हम ही हमारा ये भी सही है, ये सही है और ये सही है, ये भी सही है। ये 0.6% है, तो 0.6% में क्या होगा? 0.6/100 यानी 6/1000 यानी 3/500, ये गलत है। 0.8 तो 8/1000 इक्वल टू 4/500, 2/250, 1/125, ये सही है। तो सिर्फ डी गलत है, ए बी सी एंड ई एंड ई ओनली, ठीक है। ओके, सो विच लेटर इज इन बिटवीन मिडवे ऑफ 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से 8th लेटर पे कौन आता है? एच, और 7th लेटर फ्रॉम राइट, राइट से 7वां लेटर का मतलब है लेफ्ट से 20 लेटर यानी कि टी, एच और टी के बीच में बताना है। तो एच 8 नंबर पे आता है और ये 20 नंबर पे आता है, 8 और 20 के बीच में कौन आएगा? 28/2 यानी 14, एन आएगा, राइट, जबकि 8 और 6 14 और 14 और 6 20, तो एग्जैक्टली 14 जो है वो मिडल पे है, ठीक है। ओके, सो ये वाली सीरीज है, इसको सिंपली 3 में ब्रेक कर लेंगे। सो ये 1, 3, 5, 9, 7 आएगा यहाँ पे यानी जी, ठीक है। उसके बाद ई जी, तो ये हो गया 5, 7, 9, 13, 11 आ जाएगा यानी के किस पे? दोनों में है, तो आई या जे आएगा? आई आएगा। 3, 5, 7, 9 आई आएगा, यस फर्स्ट हो जाएगा। 31, इसका मिरर इमेज बताओ, मिरर इमेज सोर मत बताओ यार, थोड़ा सा जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसके बाद कर लेना बातें। काउंटरफिट का मिरर इमेज, सो मिरर इमेज में क्या होगा? टी ऐसा का ऐसा ही, टी आई ऐसा कैसा ही आएगा, ई जो है वो ऐसे आ जाएगा, एफ ऐसे आ जाएगा, आर ऐसे आ जाएगा, तो ई टी एन, एन कैसे आएगा? ऐसे, यू सही है, ओ भी सही है, सी ऐसे आएगा, तो पहला सही है। तो बाकी में क्या गलती है? बाकी में ये ई गलत है, आर गलत है, ई गलत है, ये सही है, ठीक है। 31, 32 एवरेज का क्वेश्चन है। 32 एवरेज ऑफ ए बी सी इज 11, एवरेज ऑफ सी डी ई इज 17, एवरेज ऑफ ई एंड एफ इज 22, एवरेज ऑफ ई एंड सी 17,
एबीसीडी ई एफ का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सारा लिख लेते हैं एक बार। एबीसी का 11 है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 33 आ गया इक्वेशन नंबर 1। एवरेज ऑफ सी डी ई इज 17 तो सी प्लस बी प्लस ई इक्वल्स टू आ गया 51 इक्वेशन नंबर 2। ई एंड एफ का 22 है तो ई प्लस एफ इक्वल टू आ गया 44। ये चार हमें इक्वेशन पता है, हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी और ई प्लस एफ हमें पता है, हमें चाहिए डी डी की वैल्यू। हाँ डी की वैल्यू 17। ओके हाँ तो 17 आ गई, तो इन दोनों से 2 और 4 से E की वैल्यू आ गई 17, D की वैल्यू आ गई 17। पर ABC की पता है, D की पता है, E और F की पता है, बस हो गया। ABC की 33, D की 17, 33 और 17 50, 50 और 44 94 बाई 6, 6 कम 6 3 6 30 15 4 by 6 यानी 15 2 by 3, 15 2 by 3 है इस पे, 15 2 by 3 आंसर होगा। ठीक है, सिंपली आपको सेकंड और फोर्थ से डी की वैल्यू मिल जाएगी। बस डी की वैल्यू मिल गई। एबीसी आपको पता है, डी पता है, ईएफ पता है, सबको जोड़ दो। ये क्या है, ये क्या है, 22 थोड़ी है, ये 44 है, ये 22 तो एवरेज था, 94 हो गया 94 बाई 6 तो 15 2 बाई 3 आ गया। पंद्रह चलेगा, पंद्रह। ओके सो ये आपका पजल टेस्ट का क्वेश्चन है। अरे भाई ये वाला क्वेश्चन करो, सभी पजल टेस्ट का क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा, सभी करो। डायग्राम बनाओ, तो अब बनाओ ना, बना के तो देखो, अब बनाते तो हो नहीं। तो टोटल 8 व्हील हो गए ना। ई अच्छा सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट प्रेजेंट इन द सेम ऑर्डर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, कितने लोग हैं 8। ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो मान लेते हैं ये सी है, सी का राइट किधर होगा, इधर 1 2 3, तो ये तुम्हारा ई हो गया। एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी का थर्ड राइट हो गया ई। उसके बाद बोला एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3,
ये कैसे हो सकता है क्वेश्चन गलत है वो तो लाइक करेगा ये प्रिंटेड क्या नहीं नहीं ई ऐसे बैठा है ना सेंटर की तरफ फेस करके फेस सेंटर की तरफ है ना सबका सबका नहीं है पढ़ो नो पर पांच का सेंटर की तरफ बाहर है अच्छा थ्री ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड्स व्हाइल फाइव आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर सर ऐसा तो नहीं है कि जो सी है वो आउटवर्ड फेस रहा हूं हां हाँ यही होगा यही होगा बट ये श्योर है कि ई और सी का जो है वो दोनों का अपोजिट है ई अगर इधर अंदर की तरफ देख रहा है तो ई बाहर की तरफ है तो दोनों पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी हाँ कहाँ पे लिखा है ओके अभी तक तो हमें यही पता है ना अभी हमने एक पॉसिबिलिटी तो ये बनाई ठीक है और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि सी बाहर की तरफ देख रहा है तो ठीक है अगर सी बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका एक दो तीन उस केस में ई इधर होगा ठीक है एक दो तीन एफ यहाँ पे होगा एफ का अभी नहीं पता एफ किधर देख रहा है एक दो तीन एफ यहाँ पे होगा है ना दो पॉसिबिलिटी बन गई उसके बाद में ई सी का अपोजिट होगा हमेशा हमने सी को पहले ये वाला पॉसिबल दिया तो ई इसका अपोजिट हो गया यहाँ पे सी को बाहर की तरफ रखा तो ई अंदर की तरफ हो गया अपोजिट होगा हमेशा थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी एफ और बी के बीच में कितने लोग हैं एफ और बी के बीच में तीन लोग हैं तो बी को कहाँ पे हो सकता है ना बी यहाँ पे आएगा हमेशा अगर मैं बी यहाँ पे रखूंगा तो इधर भी तीन लोग हैं और इधर भी तीन लोग हैं कोई सा भी हो सकता है तो एफ और बी ये हो गया इधर भी तीन लोग हैं उधर भी तीन लोग हैं ठीक है थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर तो जो एफ है वो सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा है तो F सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा है और G इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F तो F को बनाओ पहले F कहाँ है ये रहा और F सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा है तो बाहर की तरफ फेस है इसका है ना यहाँ पे भी बाहर की तरफ होगा तो यहाँ पे भी बाहर की तरफ होगा तो अगर ये बाहर है तो इसका राइट एक मिनट क्या वो F के लिए यूज हुआ है डायरेक्टली अगर कोमा लगा के हुआ था तो इसी के लिए यूज हुआ है ना ये ऑब्जेक्ट हुआ इस केस में सो जी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ एफ का राइट किधर होगा इधर एक दो तीन और यहाँ पे इसका राइट किधर होगा एक दो तीन यहाँ पे इधर राइट किधर होगा इसका इधर ये गलत हो जाएगा ओके तो जी हो गया D is sitting third to the right of A. तो G का हमें पता है G is sitting third to the sorry D is sitting third to the right of A. ना D पता है अभी ना A पता है राइट अगर यहाँ बिठा दे नीचे तो राइट में ऊपर ही तो बैठेगा A. कहाँ पे अगर D नीचे बिठा दिया यहाँ पे तो इसके राइट में ऊपर ही अगर मैं D को यहाँ पे बैठाता हूँ तो सेंटर की तरफ करना है कि आउटसाइड अच्छा सेंटर की तरफ कितने लोग थे तीन बाहर की तरफ हैं बाकी सब सेंटर की तरफ हैं तो बाहर की तरफ कितने पता लग चुके हैं हमें ये देख लो ना आप ऐसे खड़े हो जाओ ये हम अंदर की तरफ है ये राइट हो गया एंटी क्लॉक वाइज ए को यहाँ पे रखूं बाहर की तरफ ऐसा बोला वो तो अंदर दिख रहा है कौन ए हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर ए बाहर सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा है ये कंफर्म किया है उसने थर्ड टू द राइट ऑफ ए ए का राइट किधर है बाहर की तरफ अगर देख रहे हैं तो इधर होगा एक दो तीन ठीक है अगर मैं ए को यहाँ बैठा देता यहाँ तो बैठा ही नहीं सकते थे क्योंकि एक दो तीन यहाँ मैं इसमें से यहाँ बैठा तो एक दो तीन यहाँ भी नहीं बैठा सकते तो यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए
तो एक दो तीन, यहाँ डी आ गया, ठीक है। तो तीन बाहर वाले हो चुके, अब सारे अंदर वाले हैं। ये कौन बचा? एच हो गया, बस हो इस बिट सेट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में एच, एच हो गया, ठीक है। तो ये पजल टेस्ट का क्वेश्चन था। पांच नहीं आते आईपीओ में, दो आते हैं पजल टेस्ट में। एक मान लिया मैंने सेंटर की तरफ देख रहा है, उसे एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, ठीक है। एक मान लिया सी बाहर की तरफ है और उससे क्लॉकवाइज बनाना, अगर बाहर है तो क्लॉकवाइज बनाना, तो ये ई हो गया। हाँ, तो ये आउटसाइड हो, ये अच्छा बाहर नहीं, ई का, ई का नहीं पता हमें, बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा। अपोजिट ही होगा। हाँ, अपोजिट होगा, ये वाले केस में मैं इसको अंदर मान लूं, ठीक है। तो और इसके अब ये अंदर है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं और इसके यहां पर एफ बिठा दिया। ओके, अच्छा, फ्री पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड, और एफ जो है सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा है, एफ सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा है। अच्छा, एफ इज नॉट फेसिंग सेंटर, एफ बाहर की तरफ देख रहा है। हां, और एफ बाहर की तरफ रख करो, यहां पे भी करो, यहां पे भी। हां, जी बैठा दिया तुमने, जी नहीं अभी बैठा रहा हूँ, राइट ऑफ एफ, एफ तो एफ के राइट में। हाँ, ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये कैसे गलत हो जाएगा? राइट और लेफ्ट दोनों में बैठा है। एक दो तीन, ये कि सी तुम्हारा यहाँ कैसे आ गया? ई, ई तीन लोग बैठे हैं ना, ई और एफ के बीच में तीन लोग बैठे हैं, एफ और बी के बीच में तीन लोग हैं। अरे एफ और बी अभी मैंने नहीं बैठा है, ठीक है, मैंने जी बैठा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, G is third to the right of F. यहाँ पे आएगा C से आगे। तुमने यहाँ पे E कैसे बिठाया? E यहाँ पे कैसे बिठाया तुमने? ये मैंने क्या? F. F is sitting third to the left of E. ये F यहाँ पे बिठाया कैसे तुमने? किस बेसिस पे बिठाया? कितना? कहाँ लिखा है? कहाँ पे? F is sitting third to the left of E. Second line ही लिखी है. F is sitting third to the left of E. तो ये अंदर देख रहा है और ये इसका वो हो गया third. ठीक है? एक ही हो गया. और ये बाहर देख रहा है इसका third left ये हो गया. Okay. ठीक है? अब क्या कह रही है? G is sitting third to the right of F. Right of F. तो अगर F हमेशा बाहर ही देख रहा है तो चाहे इस डायग्राम में चाहे इस डायग्राम में ये वाला और ये वाला क्लॉकवाइज ही जाएगा डायरेक्शन। ओके, तो या तो यहाँ बैठना चाहिए या तो यहाँ बैठना चाहिए। एक मिनट भाई, ये बताना, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी है ना, पहला स्टेटमेंट ये वाला, देखो ये ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो ये कहाँ जस्टिफाई हो रहा है तुम्हारा? अब आ जाएगा। अब क्या है? F is third to the left of E. अब से भाई अंदर अंदर की तरफ
हाथ हो गया यहाँ पे, हाथ रखा है ये बाहर की साइड है ना क्या, ये बाहर की साइड देख रहा है। हाँ अब इसके लेफ्ट में जाना है तो ये है। कितना जाना है लेफ्ट में? तीन जाना है ना लेफ्ट में, चार पाँच छह सात आठ ठीक है, सी है ये। अब इसके ये बाहर देख रहा है, इसका लेफ्ट ये है ना। हाँ तीन यहाँ पर ई और ये अंदर देख रहा हूँ, गारंटी अंदर देख रहा हूँ, बाहर नहीं देख सकता। सी के राइट में है पहली बात तो, लेफ्ट में नहीं है। राइट में सही बैठा रखा, कहाँ सही बैठा रखा था? इसमें कहाँ है राइट में? इसमें कहाँ था पहले राइट में? इसमें ये बाहर देख रहा है राइट इसका, तो थर्ड कहाँ है? ये तो सेकंड है। राइट इसका ये होगा ना इधर, हाँ क्या? F is third to the left of E का लेफ्ट किधर होगा? इधर। और यहाँ F अब ये बताओ G is sitting third to the right of F, F के राइट में जाओ, F का राइट हो गया ये, एक दो तीन G यहाँ पे आ गया। तुमने यहाँ पे गलत बैठाया हुआ था ना E को, E हाँ। चलो ये नेक्स्ट पे आते हैं, टू पोजीशन डाइस, डाइस का क्वेश्चन है ये सिंपल। तो इसमें आपका कॉमन हम ढूंढते हैं, कॉमन कौन है, कॉमन कौन कौन है? वन कॉमन है केवल, और कोई कॉमन नहीं है, और वन कॉमन है और आपका अपोजिट पोजीशन सेम भी नहीं है। तो क्या करेंगे, वन क्लॉकवाइज चलेंगे ना, वन थ्री फाइव, वन टू फोर, तो थ्री का अपोजिट टू हो गया, फाइव का अपोजिट फोर हो गया, वन का अपोजिट सिक्स हो गया। हमें किसका बताना है? टू का थ्री अपोजिट हो गया। भाई इसमें आपका कॉमन जो कॉमन नंबर है वन है, पोजिशन सेम नहीं है। हमने तीन रूल देखे थे याद है, कि मैंने ऐसी क्लास ली थी तो भाई ये देखो, जब कॉमन पोजीशन नहीं होती और एक नंबर कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज चलो, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलो, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। तो वन का क्लॉकवाइज क्या है? थ्री, थ्री का क्लॉकवाइज फाइव, तो वन थ्री फाइव, फिर ऐसे यहाँ पे चलेंगे टू फोर, वन टू फोर, तो जो आए वो अपोजिट हो जाते हैं, थ्री का अपोजिट टू, फाइव का अपोजिट फोर, और जो बचा वन, वन का अपोजिट सिक्स। इस केस में जब पोजीशन एक कॉमन हो और पोजीशन अलग अलग हो, सेम पोजीशन ना हो। हाँ वन कॉमन है यहाँ पे, एक नंबर कॉमन है और पोजीशन सेम नहीं है, तब ये काम करता है, ठीक है। अगर पोजीशन भी सेम है, नंबर भी सेम है, मान लो कि ये वन भी यही होता, यहाँ पे वन होता और यहाँ पे फोर होता, ठीक है, यहाँ पे वन होता है, यहाँ पे भी वन होता है, सेम पोजीशन है, सेम नंबर है, तो तीन का अपोजिट चार होता, पांच का अपोजिट दो होता, सेम पोजीशन वाले अपोजिट हो जाते फिर, ठीक है, फिर ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 35 नहीं है, 36 ए फार्मर बोरोड 3600 एट 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, ही क्लियर्ड हिज डेब्ट बाय पेइंग 4000। इसमें एक गलती है आई थिंक, यहाँ पे पर एनम की जगह आएगा एंड अकाउंट। उसने चार साल में अपना डेप्ट क्लियर किया बाई पेइंग 4000 रुपेज पे किए, और एक काउ दी, एक गाय देनी पड़ी उसको, 4000 रुपए देने पड़े डेप्ट क्लियर करने के लिए चार साल में, ठीक है। तो गाय की कॉस्ट निकालनी है कितनी है, तो उसने उधार कितना लिया था, 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में बस 15% एड करते जाओ बेस प्रिंसिपल अमाउंट का, कंपाउंड में जो आपका अगले साल इंटरेस्ट जुड़ के मनी बनेगी उस पे फिर इंटरेस्ट लगेगा। जैसे अभी 3600 है तो 3600 का 15% निकाला कितना आया, 15 का 90, 15 या 45 और 9 54, 540। तो एक साल में इतना इंटरेस्ट लगा, अगले साल में उसके पास में कितना पैसा हो गया, 36
41 40 हो गया ना, अब इसका 15% पे अगली बार लगेगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में इसी पे ही 15% लगेगा 3600 पे। हाँ 540 लगता रहेगा हर साल। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 3600 था, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 टाइम फोर्स एयर बाई 100, तो 3600 इंटू 15 कितना आ गया 540 जो हमने अभी निकाला था, इंटू 4, 4 चौका 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 2160 रुपये आ गया उसका इंटरेस्ट, ठीक है। 4 कितने पे 3600 पे, तो 3600 रुपये तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, रेंट और इंटरेस्ट कितना लग गया 2160, तो 5760 जो है उसका टोटल पे करना है 4 साल में, तो गाय कितने की होगी 1760, 4000 तो उसने पे किया, बाकी जो बचा पैसा वो गाय में एडजस्ट हो गया, तो 1760 रुपए की गाय हो गई, ठीक है। छत्तीस सौ बेस अमाउंट था, 2160 रुपए इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल अमाउंट जो पे करना है उसको 4 साल बाद कितना हो गया 5760, तो उसने क्या पे किया 4000 रुपए पे किए और एक गाय पे करी, तो बचा पैसा उसने गाय से एडजस्ट किया जो 1760 रुपए। टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज, 61 में कितना होता है ओड डे, 5 ओड डे होता है, ठीक है। तो मंडे प्लस 5 सैटरडे, आंसर सैटरडे हो जाएगा। इससे पहले 60 आया था। विच ऑफ द नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट, तो 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 4 का पावर क्यूब 64, 3 की पावर 4 81, 6 पावर 3 216, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6 की पावर 3, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा डायरेक्शन का क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया 4 किलोमीटर नॉर्थ में, अरे सोर मत बताओ, 4 किलोमीटर नॉर्थ में सबसे पहले चलेंगे नॉर्थ में, 4 किलोमीटर नॉर्थ में चले उसके बाद 6 किलोमीटर ईस्ट एंड देन ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये वाला, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, तो ये बीच में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 3 होगा, ये भी 3 होगा, 3 4 का पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, तो 5 और 5 10, 10 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ दिया है ना स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कितनी दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये दूर है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा मेजरमेंट बाइट निबल किलोबाइट मेगाबाइट, ये भी नहीं होगा, निबल होगा या बाइट होगा, निबल में क्या होता है, निबल सबसे बड़ा होता है, निबल 4 बिट का होता है और बाइट 8 बिट का होता है, तो निबल होगा इसका आंसर, बाइट नहीं होगा। बोटेनी प्लांट्स, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, बोटेनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, गूगल कर लेना एंटोमोलॉजी, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैथ्स मेंसुरेशन, एक्स वाई जेड मिलके कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, एक्स और वाई
हाँ जी एक्स वाई क्या कौन सा वाला ये ओके सुनो ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्या हो रहा है सिगरेट मंगाओ तुम्हारे लिए एक्स वाई जेड क्वेश्चन करो अभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक्स वाई जेड मिलके 6 दिन में करते हैं काम कंप्लीट एक्स और वाई दोनों मिलके 16 दिन में काम कंप्लीट करते हैं इन हाउ मेनी डेज केवल जेड जो है वो कितने दिन में कर पाएगा राइट तो सिंपल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए इस तरीके के हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे 16 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बताओ हाँ फोर्टी एट तो ये 8 यूनिट पर डे करता है और ये 3 यूनिट पर डे करता है और टोटल यूनिट कितनी है 48 ये टोटल वर्क है तीनों मिलके 8 यूनिट करते हैं दो मिलके 3 यूनिट करते हैं तो अकेला जेड कितनी यूनिट करता है एक दिन में 5 यूनिट तो जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 यूनिट पर डे और 5 यूनिट पर डे इसको करना कितना है 48 यूनिट कंप्लीट करना है 48 डिवाइड बाई 5 कितना दिन लगेगा 5 9 45 9.6 डेज क्या गलती करवा रहे हैं? X as well as Y alone can do the same work in 16 days. In how many days, Chad? हाँ मेरे को भी यही लगा। X और Y दोनों अलग-अलग काम करेंगे तो 16 दिन में कर सकते हैं। Okay. मतलब एक्स हो या वाई हो एक्स हो या वाई हो एक्स से कराओ या वाई से कराओ दोनों कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 16 दिन में तो दोनों का जो एफिशिएंसी है वो एक दिन में 6 यूनिट करने का है ना एक दिन में एक्स और वाई मिलके दोनों कितना कर देंगे 6 यूनिट तो जेड अकेला कितना करेगा फिर दो यूनिट करेगा तो 24 दिन लगेंगे थर्ड ऑप्शन होगा फिर ठीक है तो क्वेश्चन को पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग गलत था एक्स एंड एक्स एज वेल एज वाई अलोन तो इसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक्स और वाई किसी से भी आप काम कराओ वो 16 दिन लेंगे काम करने में ठीक है समझ आ गया नेक्स्ट पे आते हैं ओके सो ये अगेन सेम क्वेश्चन है हमने अभी किया था सर वर्क का थोड़ा सा बता दो साइड क्या थोड़ा सा कांसेप्ट बता दो टाइम एंड वर्क चैप्टर कराया है मैंने पूरा थोड़ा सा ओके अगर ए एक काम को 10 दिन में करता है ठीक है बी उस काम को 15 दिन में करता है तो ये दिन है ठीक है ये दोनों मिलके कब करेंगे दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे अरे शांत हो जाओ ए 10 दिन में करता है बी 15 दिन में दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे तो हम एलसीएम निकालते हैं 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30 तो ये 30 आया ना ये टोटल वर्क आया इसको हम टोटल वर्क मानते हैं 30 यूनिट्स ये वर्क है टोटल इतना काम हुआ है तो ये इतना काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है 3 भाई 30 यूनिट कर रहा है 10 दिन में तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट पर डे और ये 2 यूनिट पर डे तो ये बी की एफिशिएंसी है ये ए की एफिशिएंसी है
ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, अब इन दोनों से साथ में काम कराना है, तो एक दिन में कितना काम होगा ए प्लस बी का? ए प्लस बी जो है वो 5 यूनिट पर डे करेंगे, तो 30 यूनिट काम कराना है इनसे, तो 6 दिन में कर देंगे, आंसर 6 हो गया। तो सेम हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया, ये हमें पता था कि एक्स वाई जेड तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं, और एक्स या वाई इनमें से किसी से भी कराओ 16 दिन में करते हैं, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लिया, टोटल यूनिट कितने आ गए 48, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं 8 यूनिट, और एक्स या वाई कोई भी एक बंदा 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में, 3 यूनिट कर रहा है ना, 16 3 48 टोटल 48, एक्स या वाई किसी एक से काम कराओगे ना, चाहे एक्स से कराओ चाहे वाई से कराओ, दोनों की सेम एफिशिएंसी है, 16 16 दिन में करते हैं दोनों, हाँ एक साथ भी ले लेंगे, तो ये चीज समझ आई, तो x भी 3 यूनिट करता है एक दिन में और y भी 3 यूनिट करता है एक दिन में, ठीक है, तो x और y दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, हाँ 6 यूनिट, और तीनों मिलके 8 यूनिट कर रहे हैं, तो z अकेला कितना कर रहा है 2 यूनिट पर डे, तो ये z की एफिशिएंसी है, काम कितना कराना है z से 48 यूनिट, तो 24 दिन लगेंगे, 24 आंसर हो गया। ओके तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए वर्क को 100 डेज, इफ देयर वर 10 लेस मैन इट वुड टेक 10 डेज मोर द वर्क टू बी फिनिश्ड, हाउ मेनी मैन वर देयर इनिशियली, तो इसमें वो हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, MDH फॉर्मूला, मैन डेज आवर, मैन डेज एंड आवर किया था ना हमने टाइम एट वर्क में, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन, पहले केस में क्या है, पहले केस में क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ मैन मान लेते हैं M है, पहले केस में M1 है, ठीक है, M1 जो है, M1 भी मत मानो आप, M ही मान लो, M मैन जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं 100 डेज में, तो ये D1 की वैल्यू हो गई, ठीक है, D1 की वैल्यू हो गई, पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या कह रहा है कि कितने लोग हैं, दूसरे केस में कितने लोग हैं, 10 लोग कम है, M-10, तो इट वुड टेक 10 डेज मोर, तो ये कितने दिन में करते हैं 110 दिन में करते हैं, ये D2 हो गया, ठीक है, तो हाउ मेनी मैन वर देयर इनिशियली, तो M की वैल्यू निकालनी है, डेज डेज, तो फॉर्मूला क्या कहता है, MDH फॉर्मूला, M1 into D1 into H1 divide by W1 equal to M2 into D2 into H2 divide by W2, into H2 divide by W2, ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को M की वैल्यू है, D की वैल्यू है, H की वैल्यू है ही नहीं, और वर्क सेम है ना, W की वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, M1 D1 by W1 equals to M2 D2 divide by W2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ W सेम है, ओके, तो कट जाएगा W, M1 की वैल्यू क्या है, M डे कितने लगे 100 इक्वल टू M2 वैल्यू कितना है, M-10, और डे कितने लगे 110, W से W कैंसिल होगा क्योंकि सेम है, सेम वर्क है, तो 100M is equals to 110M minus 1100, so 10M equals to 1100, तो M equals to कितना आ गया 110 लोग लगे, 110 लोग थे पहले, अब 100 लोग हो गए हैं, ठीक है, पहले 110 लोग थे, अब 100 लोग हो गए हैं, 47 नंबर क्वेश्चन, नंबर 47 में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग कमला टू गेस्ट्स, अजय सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, और ये किसने बोला, अजय ने, तो अजय अगर ये बोल रहा है कि ओनली सन ऑफ माई फादर, तो इसका मतलब क्या है,
अजय खुद है वो yes, अजय के फादर का ओनली सन कौन हुआ? अजय खुद हुआ। तो ओनली सन ऑफ माई फादर की जगह क्या लिख सकते हैं? अजय। तो हर फादर इज अजय, तो हर फादर इज अजय। तो किसके फादर? हर कौन है यहाँ पे? कमला। तो कमला के फादर कौन है? अजय। तो हाउ इज कमला रिलेटेड टू अजय डॉटर? 47 का आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, तो सब तो होने वाला है। 50 क्वेश्चन नंबर इस पे बताना है आपको कौन सा गलत है। 9, 28, 65, 126, 218 अभी चब द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली प्लेस्ड। तो क्या लगाने की कोशिश करोगे इसमें आप? इसमें एक चीज दिख रही होगी आपको सीधा सीधा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो कहाँ है? मल्टीप्लाई ओके, किससे मल्टीप्लाई? आप एक चीज नहीं, एक चीज देख पा रहे होगे यहाँ पे, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब्स के नजदीक हैं। जैसे जो 9 है वो 2 का क्यूब प्लस 1 है, और जो 28 है वो 3 का क्यूब प्लस 1 है, 65 4 का क्यूब प्लस 1 है, 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये 6 का क्यूब प्लस 2 है। तो ये ओड वन आउट है, यहाँ पे 217 होना चाहिए था। ठीक है, तो 218 आंसर हो गया, ये सही से प्लेस नहीं है। इसको 217 होना चाहिए था ताकि ये 6 क्यूब प्लस 1 होता। 51 में आपको फिर से असर्शन रीजन दिया हुआ है। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? वापस जाता है इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, और ये भी सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है इसमें। फर्स्ट ए एंड आर, ये तो प्रैक्टिस पे ही होते हैं, और जनरल अवेयरनेस थोड़ा और कॉमन सेंस। हाँ, मतलब अगर आपको नहीं पता है रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है तो फिर आप शायद नहीं कर पाओगे, फिर तो कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस लगता है कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए कि हम कैसे हिट करेंगे क्वेश्चन को, और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस लगता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर से असर्शन रीजन है अपने पास एक और। असर्शन गलत है, तो मतलब उसका रीजन से क्या लेना इसमें? प्रेसिडेंट पंडित नेहरू से तो कोई मतलब नहीं था ना उसका। हाँ, स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों गलत है। अगर मान लो स्टेटमेंट सही होती तो फिर उसको सही बोल देते, दूसरा गलत हो जाता। सही बोल देते, नहीं नहीं रीजन सही नहीं है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाता प्रेसिडेंट की जगह तो भी रीजन सही नहीं है ना। रीजन क्या, इसका रीजन क्या है मार्टर्स डे मनाने का? ये तो गांधी जी के नहीं, रीजन कभी कभी सही भी हो सकता, रीजन सही भी हो सकता है। जैसे इस पे ये मार्टर्स डे दे दिया और यहाँ पे गांधी जी के बारे में बात कर रहा होता तो रीजन सही होता। ये क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्टली आपको मार्च की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये ऑलरेडी कोड हो रखा है मार्क, एम ए आर यहाँ पे कोड हो रखा है 518, और सी एच यहाँ पे कोड हो रखा है 43। तो आंसर हो गया 518 43। ठीक है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग हो रही है।
एवरेज का क्वेश्चन है ये भी, फर्स्ट सिक्स दिया है, लास्ट सिक्स दिया है, ठीक है, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो 32 × 6 और 37 × 6 और 35 × 6 35 × 11 तो 13 × 6 कितना आ गया, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 और 1 = 19, 6 × 7 = 42, 6 × 3 = 18 और 4 = 22, इनको ऐड कर दो कितना आ गया, हाँ क्या होंगे, 2 × 2 = 4, 9 × 2 = 11, 2 × 3 = 4, 414 हो गया, ये कितना हो गया, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 = 38, ठीक है, 414 में से 385 माइनस कर दो कितना बचा, 14 × 5 = 9 = 29 ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, 58, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 22 है, क्यों फैक्ट है, अच्छा 12 घंटे में कितनी बार, कोई नहीं, अरे कोई नहीं बोलेगा, 12 घंटे में कितनी बार होती है, कब नहीं होती, अपोजिट बारह में 12 होनी चाहिए ना, 11 क्यों होती है, 1 घंटे में कितनी बार होती है अपोजिट, 1 घंटे में एक बार होती है, नहीं होती है। ये तो फैक्ट है ना, सो 1 घंटे में एक बार होती है अपोजिट, हर घंटे में एक बार अपोजिट होती है, 12 घंटे में 12 बार अपोजिट होनी चाहिए, पर किस केस में अपोजिट नहीं होती है, सही 6 बजे अपोजिट होती है, तो 5 और 6 बजे के बीच में कभी अपोजिट नहीं होती, 6 और 7 बजे के बीच में कभी अपोजिट नहीं होती, सही 6 बजे अपोजिट होती है, तो 5 से 7 के बीच में कितनी बार अपोजिट हुई, एक बार, ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे में एक बार अपोजिट हुई, तो एक मिस हो गया यहाँ पे, इसलिए 12 घंटे में 11 बार होती है, राइट, हाँ सेम चीज ऊपर होती है इसमें, 11 और 1 के बीच में, सही 12 बजे कोइंसाइड होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, डायमंड गार्ड, तो डायमंड कितने होते हैं, 13, तो 13 out of 52, 1/4 हो जाएगा, अरे सर की लीड रह गई।